हेलो फ्रेंड, रायपुर लखनऊ दोनों इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए तैयारी की जा रही है, जिसके लिए तीन रूट पर अलाइनमेंट स्टडी की गई, जिसमें से एक रूट सेलेक्ट किया गया है। रायपुर लखनऊ दोनों 310 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा, जो रायपुर धमदा खैरागढ़ लांजी रजेगांव बालाघाट बरघाट सिवनी होते हुए लखनऊ दोनों को कनेक्ट करेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अलग अलग सेक्शन में काम होना है, जिसमें मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में काम भी शुरू हो चुका है। रायपुर लखनऊ इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 2149 हेक्टेयर जमीन की जरूरत है, जिसमें 38 किलोमीटर का हिस्सा फॉरेस्ट से गुजरेगा, जिसमें 17 किलोमीटर का भाग टनल से गुजरेगा। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर की प्रोजेक्ट कॉस्ट 19,500 करोड़ रुपए है, जिसमें रायपुर लखनऊ दोनों के बीच 105 किलोमीटर के एक सेक्शन की कॉस्ट 6,500 करोड़ रुपए है। इस कॉरिडोर के बन जाने से रायपुर सिवनी के बीच लगने वाला टाइम 2.5 से 3.5 घंटा कम हो जाएगा। अभी रायपुर से सिवनी पहुंचने में 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर में कुमारी से धमदा खैरागढ़ लांजी होते हुए रजेगांव तक हाईवे को अपग्रेड किया जाएगा, जिसमें छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश तक बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। वहीं रजेगांव बालाघाट सेक्शन में हाईवे अपग्रेडेशन का काम चल रहा है। वहीं बालाघाट सिवनी के बीच भी जल्द काम शुरू हो जाएगा, जिसके लिए तैयारी की जा रही है।